हर जगह बताया। इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था है, जो आप लोग बिहार में जानते हैं कि पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, मैं अपने जितने भी मेरी वार्ताएं हो रही है उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी जो एक खुद स्वयं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना शायद उनके 17 साल के शासनकाल का सबसे बड़ी नाकामी है। पूरे जो अभी मैं 39 दिन से पैदल चला हूँ, ज़्यादातर जगहों पर जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर शिक्षक नहीं, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं, जहाँ दोनों है वहाँ पर बच्चे नहीं है। तो स्कूलों में जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही धराशायी है। ज़्यादातर कहीं मुझे ऐसा नहीं दिखा जहाँ बिल्डिंग है, शिक्षक है, बच्चे हैं, पढ़ाई हो रही है, प्रेयर हो रहा है, असेंबली हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं दिखता है। स्कूल अगर है तो वहाँ खिचड़ी बट रही है। जो कॉलेज है, यहाँ पर जो 2-4-5 कॉलेजेस को मैं देख पाया हूँ, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन तो हैं, लेकिन लोग वहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे, वहाँ क्लास नहीं हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ पूछने पर पता चलता है कि परीक्षा होती है, डिग्री बढ़ती है। इसीलिए मैं इसको एक लाइन में कहता हूँ, मेरा 40 दिन का जो अनुभव रहा उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को आप एक लाइन में कह सकते हैं कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं, पढ़ाई में दोनों जगह में कहीं नहीं हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, चूंकि मैं जिन गाँवों पंचायतों में जा रहा हूँ, ये इतने निचले स्तर पर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था तो नहीं है ही नहीं। ब्लॉक या उसके ऊपर स्तर पर कुछ होगा तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। पंचायत के स्तर पर जो सब सेंटर वगैरह है वो कहीं पर कोई फंक्शनल नहीं है। पूछने पर ग्रामीण ज्यादातर यही बताते हैं कि अगर उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो ब्लॉक हेडक्वार्टर पर या बेतिया जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादातर लोग जो है वो यूपी की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर डिपेंडेंट है। कुशीनगर, गोरखपुर जाते हैं, यहाँ से जाने के लिए अलग अलग जगहों से लोगों ने बताया 5,000 से 12,000-15,000 रुपए तक लोगों को एम्बुलेंस या किराए की गाड़ियों पर खर्च करना पड़ रहा है। तो ये एक जो समस्या है स्वास्थ्य को लेकर, इस जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ज्यादातर लोग यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आश्रित हैं, बजाय इसके कि वो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का उनको लाभ मिल सके। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, शिक्षा स्वास्थ्य हो गया, रोजगार की बात मैंने कर दी, किसानों की बात मैंने आपको कर दी, अफसरशाही भ्रष्टाचार का आलम कर तो कोई पूछना ही नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि लोगों ने ये नहीं बताया कि साहब अफसरों की हालत ये है कि उनकी जो मन में आ रहा है वो कर